हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बिहार के बाहुबलियों के गुरुवार रहे सूरजभान सिंह से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं। 5 मार्च 1965 को बिहार के मोकामा जिले में जन्मे सूरजभान, उनकी शादी वीणा देवी से हुई है। उनके 3 बच्चे हैं। सूरजभान सिंह पर तकरीबन 30 संगीन मामले दर्ज थे। अपराधियों के नेता बनने पर अब शायद ही किसी को अफसोस होता हो। बिहार के बाहुबली डॉन सूरजभान सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रहे सूरजभान सिंह अपने समय के दबंग हुआ करते थे। कहा जाता है कि इनके गुर्गे इशारा मिलते ही बड़े से बड़े अपराध को चुटकियों में अंजाम देने को तैयार रहते थे। सूरजभान ने मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी थी। इसके बाद 2004 में बलिया से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। सूरजभान सिंह का रसूख इतना कि रामविलास पासवान जैसे नेता उन्हें समाज सेवी तक बुला चुके हैं। स्थानीय लोगों के दावों की माने तो पूर्व सांसद सूरजभान 80 के दशक में मोकामा में छिटपुट अपराध करता था। 90 की दशक में अपहरण, रंगदारी और हत्या जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था। बिहार के एक आम परिवार से संबंध रखने वाला सूरजभान सिंह आज अपराध और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। सूरजभान मूल रूप से मोकामा के शंकर बार टोला के निवासी हैं। मोकामा में इनके पिता एक व्यवसायी की दुकान पर काम किया करते थे, लेकिन जब सूर्या ने आपराधिक रास्ता अपनाकर मोकामा में रंगदारी और वसूली शुरू की तो उसने उन लोगों से भी वसूली और मारपीट की जिनसे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। पिता ने सूरजभान को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ना माने। मोकामा वासियों की माने तो इन्हीं घटनाओं से परेशान होकर सूरजभान के पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में कार्यरत उनके इकलौते भाई ने भी आत्महत्या कर ली। अशोक सम्राट ने सूरजभान पर मोकामा में हमला भी करवाया था। सूरजभान सिंह मोकामा में उस वक्त छाया जब उसका सामना उत्तर बिहार के डॉन माने जाने वाले अशोक सम्राट से टकराव हुआ। अशोक सम्राट ने सूरजभान पर मोकामा में हमला भी करवाया था। इस हमले में सूरजभान के पैर में गोली लगने के बाद भी वह बच गया था, लेकिन उसका चचेरा भाई मारा गया था। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब तक जिंदा रहा सूरजभान मोकामा से बाहर नहीं निकल पाया था। हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद सूरजभान ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। इसी बीच सूरजभान के चचेरे भाई मोती सिंह की गैंगस्टर नागा सिंह ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद सूरजभान का मोकामा विधायक दिलीप सिंह से दुश्मनी बढ़ी और उस दौर में अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान का भी नाम जुड़ गया। 3 हत्याओं में नाम आने से काफी चर्चा में रहे सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह का नाम रामी सिंह हत्याकांड में भी सामने आया था। बिहार के बेगूसराय के मथुरापुर गाँव में रहने वाले रामी सिंह की हत्या जनवरी 1992 में हुई थी। सुबह 5:30 बजे 4 लोगों ने गोली चलाकर रामी सिंह की हत्या की थी। इस केस में सूरजभान सिंह का भी नाम आया और निचली कोर्ट में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद रामी सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह नागू सिंह और सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी कुछ सालों के बाद हत्या हुई थी, जिसके FIR में भी सूरजभान सिंह का नाम था। मुख्य आरोप पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड। ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार की राबड़ी देवी सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री पद पर थे, जब उनकी हत्या हुई 3 जून 1998 को। इलाज के लिए ब्रिज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। रात 8 बजे के वक्त वे वहां के पार्क में टहल रहे थे, जब 6 से 7 हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून डाला था। गोली चलाने वालों में उस वक्त गोरखपुर का डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में सूरजभान सिंह को भी अभियुक्त बनाया था। 1998 के जून महीने में हुए इस हत्याकांड को लेकर उस समय भारी बवाल मचा था और बाद में इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। निचली अदालत ने अगस्त 2009 में सूरजभान सिंह सहित सारे आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दी थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सूरजभान को बरी कर दिया था। मोकामा के पूर्व जिला पार्षद रहे कुख्यात अपराधी उमेश यादव की 2003 में दिन दहाड़े मोकामा गौशाला रोड पर गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उमेश यादव के परिजनों ने मोकामा विधायक सूरजभान सिंह को आरोपी बनाया था। हालांकि केस की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान सिंह बरी कर दिया गया था। ये तो ऐसे अपराधों की लिस्ट थी जो कानून की नजर में आई थी, लेकिन कितनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कहते हैं एक वक्त था जब लोग सूरजभान सिंह के नाम से ही डरते थे, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं। फिलहाल सूरजभान सिंह पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है।
लेकिन इनकी पत्नी वीणा देवी बिहार मुंगेर की सांसद रह चुकी हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय भी हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।